नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है न्यू ओवरटेक। दोस्तों रेलवे भर्ती ग्रुप डी की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही साथ आप लोगों की टेंशनें बढ़ रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। तो आप लोग मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं, हर वीडियो में कोई ना कोई एक कमेंट्स आता है मेरे पास में, और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस, ये दो चीज़ तो आप मुझे पर्टिकुलरली हमेशा पूछते हैं कि सर ये हमें थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को अभी तक ये पैटर्न जो सिलेबस है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और साथ ही साथ आप मुझसे कई ऐसे सवाल करते हैं, जैसे कि फिजिकल के बारे में आप पूछते हैं कि सर फिजिकल के बारे में और सिलेबस और ये मैथमेटिक्स रीजनिंग इन सब्जेक्ट के बारे में आप हमें ऐसी जानकारी दीजिए, टिप्स दीजिए, जो हमें हमारे को ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन के लिए हमारा लिए काफ़ी फायदेमंद हो सके। तो दोस्तों आप सभी की इन सभी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको पूरे सवालों के जवाब देने वाला हूँ और साथ ही कुछ ऐसे सवालों के साथ साथ आपको ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे से लाल बटन को आज ही दबा दीजिए और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी रेलवे से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर आप जानकारी को आगे भी शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए आगे दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके पहले सवाल की, जो है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है और इतना सारे सवाल हैं आपके कि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये होगा 90 मिनट का, ठीक है दोस्तों। 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको कॉल लेटर जब आएगा तो आपको एक सेंटर मिलेगा जहां पर कंप्यूटर होंगे और वहां पर आपको एक कंप्यूटर बिठा दिया जाएगा और वहां पर आपको सिर्फ बिना माउस को टच किए हुए, आपको बिना कीबोर्ड को टच किए हुए आपको सिर्फ एक माउस दिया जाएगा, वो आपको उसी से ऑपरेट करना है और आपको कंप्यूटर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है करेंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और जनरल साइंस। तो दोस्तों ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर जो आएगा 20 नंबर का, ठीक है। मैथमेटिक्स में सवाल जो आएंगे वो 25 नंबर के आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आएंगे 25 नंबर के सवाल और जनरल साइंस में आएंगे आपके 30 नंबर के सवाल। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके लिए 30 नंबर का सवाल है जो आपका इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ बता देता हूँ, जो कैंडिडेट्स हैं, कई कैंडिडेट्स हैं जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी करंट अफेयर्स इतनी वीक होती है कि वो मैथमेटिक्स में तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन उनकी करंट अफेयर्स में उनको नेगेटिव मार्किंग, यानी कि वो कर नहीं पाते हैं, तो वो यहाँ पर उनको यानी कि नेगेटिव हो जाते हैं वो बंदे, ठीक है। और यहाँ पर जनरल साइंस के लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पर जनरल साइंस को बेसिक पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल साइंस आएगी वो आपको आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो जनरल साइंस आएगी वो आएगी सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जनरल साइंस के एक सवाल जो होते हैं वो टेक्निकली होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हैं, आप टेक्निकली अच्छे नहीं हैं, तो आप सिर्फ बेसिक जनरल साइंस को पढ़ें, ठीक है दोस्तों। बेसिक पढ़ने में आपको ये होगा कि आपको ना तो टेंशन होगी ना आपके मन में डर रहेगा जनरल साइंस को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो आप सिर्फ जनरल साइंस को बेसिक पढ़ें, ठीक है। और मैथमेटिक्स में मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको याद नहीं करना है ना ही रटना है, ठीक है दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप मैथमेटिक्स में फेल हो सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है दोस्तों। आपको जो भी फॉर्मूले लेने हैं, जो भी ट्रिक्स लेनी, वो सबसे शॉर्ट लेनी है। आप जितने शॉर्ट में अगर आप मैथमेटिक्स से सवाल शॉर्ट आउट करेंगे उतना ही आपका टाइम भी बचेगा एग्ज़ाम के समय में, और आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम करके नहीं और आप दूसरे सब्जेक्ट को भी फटाफट कर सकते हैं बिना टेंशन के, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैथमेटिक्स को, अगर आपके मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जिन कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट्स जिस सब्जेक्ट में वीक है, तो वो सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स को करना क्या है एग्ज़ाम के समय में, वो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मान लीजिए मैथमेटिक्स में वीक हैं तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स ले लेनी है, क्योंकि अगर आपने लास्ट में लिया तो आप जल्दबाजी में गलत कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल ही नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हैं कि लास्ट में भी कर सकते हैं इसे, लेकिन आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आपको मैथमेटिक्स में कुछ सवाल पहले ही कर लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है प्रैक्टिकली काम करने में, ठीक है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ कि जनरल साइंस भी अगर आपका वीक है तो आप इसे सबसे पहले कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम देते वक्त, जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम देते वक्त आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कंप्लीट करने हैं सारे। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन जो आएंगे, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट के अंदर दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आना है,
क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर आते हैं तो आपके मन में ये रहता कि यार मैं ये भी कर लेता तो ये हो जाता। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं छोड़ करके आना है। माना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए भी आपको यहाँ पर करके ही आना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना नेगेटिव मार्किंग को देख करके नहीं है ना, अपने को मालूम होता है कि ये सवाल सही है, फिर भी हम वो सवाल का जवाब नहीं करके आ पाते हैं अपने सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के डर के कारण से। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का डर निकाल दीजिए, प्लीज़ आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो बात थी सिलेबस की। अब मैं उन कैंडिडेट्स को सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो पूछ रहे थे कि सर फिजिकल टेस्ट के बारे में हमें कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जिससे हम फिजिकल टेस्ट को पास कर सकें। तो दोस्तों फिजिकल टेस्ट बहुत बड़ी टेंशन है इस बार, क्योंकि इस बार जो है फिजिकल टेस्ट वो टफ है, उन बच्चों के लिए टफ है जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका फिजिक जो है वो वीक है, जिनका वज़न भी 35 किलो के बराबर आता है। जी हाँ दोस्तों, कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए कि सर हमारा तो वज़न ही 35 किलो है, तो हम 35 किलो का वज़न उठा के कैसे भागेंगे। तो दोस्तों आप टेंशन ना लें, अभी आपके पास में समय है फिजिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल के लिए समय है, अगर आप मेरी कही भी बात को अगर मानते हैं तो दोस्तों आप फिजिकल टेस्ट भी पास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे कर पाएंगे आप? वो ऐसे कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक टाइम टेबल तैयार करना है सुबह या शाम का, और आपको करना क्या है, आपको डेली ग्राउंड जाना है। ग्राउंड जाएं या फिर कहीं पर भी, आप किसी भी रोड पे, खाली रोड पे या कहीं भी ग्राउंड में आप जाके रनिंग करें। रनिंग भी आपको फास्ट नहीं करनी, स्लो रनिंग करनी है, और आप चाहें तो कोई भी एक बैग जो होता है आपका, जो स्कूल का बैग होता है, उसको आप कैरी कर लीजिए, उसमें कुछ बुक रख लीजिए या कुछ भी ऐसा वेट रख लीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ थोड़ा वज़न है, और आप धीरे धीरे उसको आप यानी कि आज एक दिन, जैसे कि आज शुरू करते हैं आप, तो आप 1 किलोमीटर तो रनिंग करिए, फिर धीरे धीरे आप जो स्पीड है बढ़ाइए, स्पीड बढ़ा के साथ साथ आपकी जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर के बाद में 1.5 किलोमीटर कीजिए, फिर 2 किलोमीटर कीजिए। तो इस तरीके से आप देखना, आप 101% ये जो फिजिकल है, जो 35 किलो 100 मीटर दौड़ है और 20 किलो 100 मीटर दौड़ है मेल फीमेल दोनों के लिए जो अलग अलग है, तो यहाँ पर आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, और ये 1000 जो मीटर है ये भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको डाइट पे आपका थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी आप रनिंग करने जा रहे हो या करके आ रहे हो, तो थोड़ा सा आप खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे आपको कोई बीमारी ना पकड़े और आपका जो स्टेमिना है बना रहे और आपका शरीर भी अच्छा तंदुरुस्त बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ सवालों के जवाब मैं सही दे रहा हूँ और आपको सही जानकारी मिल रही है, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल के द्वारा आपको जो जानकारी देते हैं वो रियल होती है, किसी ना किसी प्रूफ के जरिए देते हैं हम आपको। ठीक है दोस्तों, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ हम आपको नहीं बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपके कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के नहीं, आपकी जो जाति का प्रमाण पत्र है उसको लेकर के, कि सर हमारा ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या हमें अपलोड करना है क्या? तो दोस्तों ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, और जनरल कैटेगरी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, और एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी सवाल था आपका, तो मैंने इसका जवाब दे दिया है। ठीक है, और कुछ भी अगर आपके मन में सवाल या सुझाव होते तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करके हमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ घंटे के इस बेल आइकन को भी जरूर दबाना, जिससे हम जो भी रेलवे से जुड़ी हुई पल पल की खबरें देंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन को, जो आपको ये वीडियो की जानकारी मिल रही है, वो आप इस वीडियो को आगे से आगे दोस्तों में शेयर करें, जिससे दूसरों को भी आपको जानकारी मिल सके। और प्लीज़ लाइक के थंब बटन को जरूर दबाएं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।